हमारी मोती मटन बिरयानी रेडी है, इसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे। हमारी रेसिपी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी बिरयानी जिसका नाम है मोती मटन बिरयानी। हम ये बोनलेस गोश्त के साथ बनाएंगे। मेरे पास यहाँ आधा किलो गोश्त है जिसको मैंने काट के बोटियों का साइज़ इतना कर लिया है, तकरीबन एक इंच के बराबर आधा किलो गोश्त। इसमें मेरे पास जाएगा आधा कप दही, आधा टीस्पून सॉल्ट, बिरयानी का मसाला है मेरे पास 3 टेबलस्पून, चॉप किया हुआ लहसुन है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून नींबू का रस जाएगा। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, बाउल में हम बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे और इसको हम बीट कर लेंगे। नींबू का रस, सॉल्ट, और लहसुन ये डाल देंगे। इस पॉइंट पे हम दही के अंदर थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने से एक तो दही थोड़ा पतला हो जाएगा और मसाला भी बोटियों के ऊपर अच्छे से लग जाएगा। अब हम गोश्त को इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। मेरे पास यहाँ कुकर है, मैंने गोश्त को प्रेशर लगाना है इसलिए मैं यहाँ कुकर इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर हम आधे कप से कम कुकिंग ऑयल डालेंगे। दो मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याजों को हम ब्राउन करके फिर आपको इसका ग्लेक्चर बताते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इस पॉइंट पे हम थोड़े से गार्निश के लिए प्याज अलहदा कर लेंगे। यहाँ एक मीडियम साइज का मेरे पास कटा हुआ प्याज है, वो ऐड कर देंगे। टमाटर को हम भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस पॉइंट पे अब हम गोश्त को ऐड कर देंगे। इस दही को हम ज़ाया नहीं करेंगे, प्रेशर लगाने से पहले हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पे हम गोश्त को अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनेंगे तेज़ आंच पे, ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल भी कम हो जाए और ये तेल भी रिलीज़ कर दे, फिर हम इसको प्रेशर लगाएंगे। गोश्त को मैंने 5 मिनट के लिए भून लिया है, इसके कच्चेपन की स्मेल भी दूर हो गई है और इन्हें ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसे प्रेशर लगाएंगे, 1 कप पानी लगा देंगे हम इसको। थोड़ा सा और पानी लगाएंगे हम इसको।
तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने इसमें डाला है। कुकर को हम कवर लगाएंगे और इसको मीडियम आंच पे हम 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। गोश्त को मैंने 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है और बोटी इसकी अच्छे से गल चुकी है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है क्योंकि इसे अभी हमने बिरयानी के साथ दम पे रखना है। ये देखें बोटी आराम से टूट गई है। हम इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे ताकि इसका थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाए। भूनते हुए हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इस पॉइंट पे आप स्पाइस चेक कर सकती हैं, नमक और मिर्च अगर कम हो तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। गोश्त को मैंने मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लिया है। देखिए इसका मॉइस्चर भी कम हो गया है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे और फिर आपको अगला स्टेप बताएंगे। आइए हम अपनी बिरयानी को दम लगा लेते हैं। गोश्त को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, इसमें से थोड़ा सा ऑयल हम नीचे स्प्रिंकल करेंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने 2 कप चावल लिए थे जिन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया था पहले से ही, और इन्हें मैंने 90% कुक किया है। इसके अंदर मैंने नमक और बादियान के फूल डाल के इनको बॉईल किया है। हम यहाँ पर राइस डाल देंगे थोड़े से। गोश्त को डाल देंगे और इसको चावलों के ऊपर फैला देंगे हम। बाकी के चावल भी हम इसके ऊपर फैला देंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। हरी मिर्च फैला देंगे ऊपर। आप चाहें तो कलर के लिए स्प्रिंग अनियन वगैरह भी यूज कर सकती हैं, लेमन के बारीक कटे हुए स्लाइस। और जो हमने मसाला भूनते हुए प्याज निकाले थे ब्राउन, वो डाल देंगे। ये 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर है और ये 1 पिंच ऑरेंज कलर है। इन दोनों को मिक्स करके हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो इसमें पीला कलर या रेड या ग्रीन भी यूज कर सकती हैं। अब ये दम के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसको कम से कम भी 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे दम पे लगाते हैं। बिरयानी को दम लगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं। आइए अब हम इसका दम चेक कर लेते हैं। हल्के हाथ से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसको हम 5 मिनट सेट होने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम आपको इसको सर्व करके दिखाएंगे। हमारी मोती मटन बिरयानी रेडी है। इसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।